से मिला दे, श्याम से मिला दे बंसी वाले से मिला दे, बोलो रामचंद्र भगवान गौ माता भारत माता गंगा मैया बोलो भाई सब संतो ओम नमः पार्वती पते। श्री राम छठे दिन की कथा में मंचपति सब संतगण संगीतकार भाई लोग आप सब माताएं बहने और आप सब वडिल भाई युवान और बाला शिव महापुराण की कथा में आने वाले आए हुए सभी का स्वागत है और शिव महापुराण की कमेटी वाले जिन भाइयों बहनों ने तन मन धन से अपना सारा कारोबार काम काज छोड़कर जो घर घर प्रचार किया उन सभी भाइयों बहनों को भी आदर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार भाई लोग पुलिस वाले भाई बहन लोग और जो भी लंगर में सेवा करते हैं लंगर बनाते हैं बाहर जो भाई लोग सेवा करते हैं उन सभी को आदर के साथ बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। परदेश में देखने वाले इटली में अश्विनी कुमार साहिल शास्त्री जी रमेश शास्त्री जी डिंपल परिवार दुबे राम बधाई राम टोनी भैया आदि परिवार बोलोनिया मिलानो रोम सुजारा आदि गांव में बैठ के हमारे हिंदू भाई बहन जो देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लंदन में कोवेंट्री हेरो वेमली पेस्टन बॉल्टन डर्बी क्रोली कालडीप जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं उन्हें सबको बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। कंट्री में धीरूभाई पटेल अपना परिवार के साथ विलास बहन पटेल शारदा बहन विकी बहन गर्जा बहन मंगू भाई गायत्री परिवार आदि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने घरों में बैठ के विज्ञान के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आप हमारे सूरत में बैठे हुए भाई बहन जो देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद पालनपुर भावनगर और जहां भी हर कोने पे जिसको टाइम मिला है टाइम का उपयोग कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से लाइव द्वारा जो भाई बहन देख रहे हैं हमारे इसी महापुराण का आज छठा दिन है या मृत्युंजय यज्ञ भी चल रहा है ऐसे तो ब्राह्मणों का कर्म मेरा नहीं है मैं तो हर दिन हवन करता हूं मारुति मगर भूदेव न होने के कारण करता हूं और ये द्वारका में जो कारोबारी है जामनगर में रहते पर ज्यादा जिनका द्वारका में समझ जाता है लंदन अमेरिका कनाडा आदि देशों में फरते हैं विद्वान ब्राह्मण देवता शशिकांत भाई उसको मैंने खाली फोन में बताया कि ऐसा हुआ तो वो आए हैं और हमारे पूर्णगिरी बाबा के डेरे के महंत समील गिरि जी महाराज आपके महंत अशोक गिरि जी महाराज महंत रवि गिरि जी महाराज संतों की हाजिरी में शिव महापुराण की कथा चल रही है आप सब सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं 6211 आदमी इस लाइव कास्ट में देख रहे हैं। अमेरिका में योगेश अपने परिवार के साथ और ऑस्ट्रेलिया में हमारे गोस्वामी समाज पूरा बड़ी एलडी लगा के देख रहे हैं आपको भी बहुत धन्यवाद
कैनेडा में भी, रुचिक अपने मित्रों के साथ भी ये देख रहा है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो जहां से देख रहा है शिव पुराण महाकथा, आप बहुत भाग्यशाली हो सा। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप में ज्यादा कथा में रुचि रखते नहीं है, और हम लोग तो क्या जावे, हमारा तो ये अनुष्ठान है, टाइम इज मनी, हम लोग तो समय को मान देने वाले हैं, इसलिए हम तो अपने समय पर आएगा, आप आओ ना आओ आपकी मर्जी है। आप बीच में उठ के चले जा सकते, एक दिन नहीं आ सक सकते, मगर हम बीच में भी उठ नहीं सकते हैं और कथा सुन के जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुष्ठान है ये 9 दिन का। तो आइए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते भोले। जितने जितना कर्म किया है, जितने जितना कर्म किया है, इतना उसको दे है, भोले के दरबार कोई खाली हाथ नहीं जाते भोले के दरबार कोई खाली हाथ नहीं जाते और गंधर्व सब कोई शीश झुकाते हैं, महादेव को सब कोई नमस्कार करते हैं साहब, दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं, शिव शरण में जाके बोलो भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने जिन जिन ने सेवा की है भगवान भोलेनाथ उसका फल 100 गुना करके देंगे आपको। ये भगवान व्यास कहते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं भोले के दरबार से कोई।
जल की धार करे जो पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, लोटा जल की धार करे पुष्प पुत्र चढ़ाते हैं, लोटा जल की धार करे जो पत्र पुष्प छोड़े गे दरबार। बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया ठीक करे इसका, ये सबका जैसे ये हम लोग कीर्तन इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हो सकता है लोग आ जाए। कथा का समय तो 7:30 बजे का है, 8:15 बज रहा है। शिव कथा में ज्यादा कीर्तन नहीं होता है, शिव कथा में 2 श्लोक और थोड़ा शिव का स्मरण होता है, और हमने आधा घंटा चला दिया कि लोग आ जाए। इसलिए आप मूवी देखते हो तो पहले नंबर पड़ता होगा ना पिक्चर में, तो इसलिए हमने मूवी में नंबर लगाए। जब नंबर खत्म होते तो पीछे शुरू होता है, तो इसलिए हमने कीर्तन आगे चलाया। ज्ञानी उसको कहते हैं कि दूसरे को मान दे, इसलिए हमारे देश में संतों की जय जयकार बोला, विद्वानों की ज्ञानियों की नहीं। पहले के जमाने में संतों के साथ ऊपर कोई बैठता नहीं था, संत की बराबरी बैठते नहीं थे, संतों को आदर देते थे और संतों के आगे लोग खड़े हो जाते थे। संत भी थे, आज भी है, आपकी आंखें देखने वाली चाहिए। विद्वान उसको कहते हैं जिसमें सरलता हो। तो भगवान शिव इतने देवों के देव महादेव कितने सरल है, सबको मान देते हैं, सबको आदर देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। सारी दुनिया सोती है, सबके लिए वो जागता है, सारी दुनिया खाती है, वो भूखे रह के लगातार तपस्या करता है कि दुनिया का सुख हो, दुनिया सुखी हो। आपको सारे ऐसा राम दे दिया, वो स्वयं शमशान में कैलाश में बैठा हुआ आपके हित के लिए तप कर रहा है, ताकि जगत मेरे पास आवे, मेरे लिए समय निकाले। इसलिए भगवान शिव को देवादिदेव महादेव कहते हैं। इनकी कथा में देवताओं अपने आप आते हैं, निमंत्रण नहीं।